हेलो गाइस, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। राइटर डॉक्यूमेंट का ये मेन्यू का पहला वीडियो है। इसके पहले नेक्स्ट वीडियो में हमने लिब्रे ऑफिस के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, और फिर इसके दूसरे वीडियो में राइटर डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन, उसे ओपन करना, उसके फ्रंट जब ओपन करते हैं तो उसके विंडो के सारे ये ऑप्शन के नाम बताए हुए थे। और इस वीडियो में हम राइटर डॉक्यूमेंट के फाइल मेन्यू के बारे में बताएंगे कि फाइल मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन यूज़ हो पाते हैं, और यहाँ पे जैसे फाइल मेन्यू को कैसे शॉर्टकट से ओपन करते हैं, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो आते हैं पहले फाइल मेन्यू पे। तो फाइल मेन्यू जो हमारा होता है, जिस पर हम वर्क करते हैं, उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ऑप्शन फाइल मेन्यू के अंदर होता है। जैसे फाइल को क्लोज करना, फाइल को ओपन करना, नया फाइल लेना, नया डॉक्यूमेंट बनाना, ये अगर हम सेव करना चाहते हैं कई फाइलों को तो कर सकते हैं, अपना प्रिंट निकालने से पहले उसकी प्रीव्यू देखना, उसको मेंटेन करना, पेज सेटअप करना, ये सब चीज़ें हम फाइल मेन्यू के अंदर करते हैं। अगर फाइल मेन्यू हमें ओपन करना है, डायरेक्ट माउस पॉइंटर को फाइल मेन्यू पे लेके जाते हैं और उसे क्लिक करते हैं, तो फाइल मेन्यू का लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाता है। अगर हम शॉर्टकट से ओपन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से अल्ट के साथ एफ की प्रेस करेंगे तो फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है न्यू। तो न्यू में हम जाते हैं तो यहाँ पे एक लिस्ट ओपन होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फॉर्मूला, यहाँ पे अलग अलग पैकेज के नाम दिए हुए हैं। ये न्यू में जैसे कोई भी अदर सॉफ्टवेयर था, तो वहाँ पे सिर्फ न्यू में हम जिस सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं उस सॉफ्टवेयर का ही पेज हमें देता था। लेकिन लिब्रा ऑफिस के एस राइटर डॉक्यूमेंट के, लिब्रा ऑफिस के किसी भी पैकेज में हम जाते हैं तो यहाँ पे फाइल न्यू के अलावा, जैसे हम राइटर डॉक्यूमेंट का विंडो तो ओपन कर सकते हैं, उसके अलावा अगर हम स्प्रेडशीट को ओपन करना चाहते हैं या प्रेजेंटेशन को ओपन करना चाहते हैं या ड्राइंग को ओपन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से किसी भी पैकेज पे डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। तो अगर हमें नया पेज लेना है तो हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाते हैं तो यहाँ पे नया फाइल हमें दे देगा, ये न्यू फाइल हमें दे दिया। अगर हमें चाहिए ओपन, तो ओपन होता है, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल प्लस ओ है। तो ओपन अगर हम किसी फाइल को, जैसे अगर हम कोई फाइल बनाए हुए हैं तो उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं, या फिर किसी की फाइल को दे, जैसे हम अब जैसे किसी की फाइल को या इमेज वगैरह को लेना चाहते हैं तो ओपन में जाएंगे। तो ओपन में जाने से पहले हम यहाँ जाएंगे तो उसके पहले हम लोकेशन देखेंगे, कहाँ पर फाइल है, इमेज वगैरह कहाँ पर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इमेज वगैरह किस में है, तो इमेज है या नहीं है। तो यहाँ पे ये इमेज जैसे ये बनाया गया है तो ये हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे तो हमारा ये विंडो ओपन ही रहेगा। फिर ओपन रिमोट, ओपन से हम कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। ओपन रिमोट जो है, अगर नेट के माध्यम से अगर हम किसी फाइल को, जैसे यहाँ पे अभी हम वर्क करके भी दिखाएंगे ओपन रिमोट, अगर हम जैसे चाहते हैं नेट के माध्यम से कोई फाइल जैसे सेव किए हुए हैं तो उसे ओपन करना चाहते हैं, तो नेट के माध्यम से वहाँ पे सोर्स पूछेगा, एड सोर्स में जाएंगे तो यहाँ पे सोर्स पूछता है किस ड्राइव में, जैसे कैसे हम सेव किए हुए हैं, FTP है या फिर जो भी नेट कनेक्टेड, हम उसे ओपन कर सकते हैं। तो ये आपका एक्टिवेट होगा। तो अब हम यहाँ पे वर्क करके दिखाते हैं। जैसे ये पेज हमारा है, तो इस पेज को जैसे अगर हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि इस पर हमें अब वर्क नहीं करना है, हमें दूसरा कोई पेज चाहिए, तो हम यहाँ पे जाते हैं न्यू पे। तो न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होगा वो राइटर डॉक्यूमेंट का होगा। अगर अदर पे जाएंगे तो वो अदर पैकेज को ओपन कर देगा। तो टेक्स्ट यहाँ पे यहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर हम कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो वो न्यू पेज दे देगा। और यहाँ पे ये टेम्पलेट बन था तो ये टेम्पलेट को पहले हटा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे ओपन, तो अगर हम कोई फाइल सेव किए हुए हैं तो ओपन करना है तो हम ओपन कर सकते हैं। तो ओपन और रिमोट, और ये हम आपको जब सेव बता देंगे तो ये बताएंगे, ठीक है। अगर हम कोई फाइल सेव करना चाहते हैं, जैसे ये फाइल है, अगर हम इसे सेव करना चाहते हैं, ठीक है, अगर ये फाइल हम सेव करना चाहते हैं तो पहले जाएंगे सेव में, तो सेव की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस एस है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेव का विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हम चाहते हैं डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट में फाइल बनाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे हम फाइल ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे स्टडी के नाम से जो है फाइल बनाना चाहते हैं, स्टडी हमने टाइप कर दिया, इसका .odf यहाँ पे इसका एक्सटेंशन नेम दे रहा है,
तो यहाँ पे आएंगे तो देखिए स्टडी ओडीटी, तो ये बता रहा है जो फाइल हमने सेव किया हुआ है स्टडी और ओडीटी यानी राइटर डॉक्यूमेंट का, ये है यानी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये राइटर डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम होता है। फिर अगर हम इसे यहाँ पे न्यू ले लेते हैं, अब यहाँ पे देखिए इसे हमने नया ले लिया। अब अगर हम इसे फिर से ओपन करना चाहते हैं तो जाएंगे ओपन में दूसरे दिन, तो स्टडी का नाम यहाँ पे लिंक सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल प्लस ओ है। फिर ओपन रिमोट, अगर सेव नेट के माध्यम से सेव किया गया है फाइल तो वो नेट के माध्यम से ही ओपन कर सकते हैं। फिर रिसेंट, और रिसेंट डॉक्यूमेंट में हाल ही में जो भी डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया हुआ है, अगर उस डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट यहाँ से ओपन करना है या लिस्ट को देखना है तो देख सकते हैं। अगर क्लियर करना चाहते हैं सारे लिस्ट को तो हम यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, तो हमने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं दिखाएगा कि कौन कौन से फाइल हमने अभी ओपन किया हुआ है। फिर अगर जो विंडो हमारा है ओपन है, जैसे स्टडी वाला ओपन है, उसके पहले अनटाइटल फाइल था, अगर हम चाहते हैं ये विंडो स्टडी जो हमने अभी ओपन किया फाइल वो क्लोज़ हो जाए, तो क्लोज़ पर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो देखिए ये फाइल क्लोज़ होकर अनटाइटल फाइल पर हम आ जाएंगे। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर विजार्ड, विजार्ड जो होता है एक बना हुआ पेज होता है जिसमें सिर्फ हमें फिलअप करने होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन में ये पेज देता है, जैसे लेटर, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कन्वर्टर और यहाँ पे यूरो कन्वर्टर, एड्रेस, डेटा सोर्स, जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे बनानी है ले सकते हैं। जैसे सिंपल सा हम लेटर बनाना चाहते हैं, एक लेटर बनाना है तो देखिए यहाँ पर एक पेज आएगा यहाँ पर, फिर उसके लिए एक यहाँ पर टास्क पैन ओपन हो जाएगा लेटर विजार्ड का, तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका पेज डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। पेज डिज़ाइन यहाँ पे एलिजेंट में सेलेक्ट है, अगर यहाँ पे हम चेंज करते रहेंगे तो यहाँ पे भी चेंज होगा। देखिए यहाँ पे भी जैसा डिज़ाइन ऑफिस का लेना है तो ऑफिस टाइप में इस टाइप में देगा, जैसा मोड लेंगे वो चेंज होगा। अगर हमें चाहिए फॉर्मल यहाँ पे, जैसे यहाँ पे यूज़र दिया हुआ है ये हटाना चाहते हैं लोग, तो ये हटा सकते हैं, लगाना है तो लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे फॉर्मल पर्सनल लेटर, तो फॉर्मल पर्सनल लेटर पे जाएंगे तो इसके अंदर का वो ऑफ हो जाएगा, तो इसके अंदर का देखिए ये ओपन हो जाएगा। तीनों में से कोई भी डिज़ाइन हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ पे दिया हुआ है प्लीज़ चूज़ द टाइप ऑफ लेटर एंड पेज डिज़ाइन, इन तीनों से हमें कोई एक डिज़ाइन से, अगर पर्सनल लेटर है यहाँ पे जैसे फॉर्मल, तो हम यहाँ पे लेजेंट वगैरह जो भी लेना है हमें यहाँ पे उसमें भी डिज़ाइन आपको मिलेगा। देखिए चेंज हो रहा है, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, तो इस टेम्पलेट में भी हमें शो करके दिखाएगा। अगर हम पर्सनल कोई लेटर भेज रहे हैं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे बॉटल दिखाना है, मेल का साइन दिखाना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे दिया हुआ है मैरिन का तो मैरिन दिखेगा, फिर यहाँ पे रेड लाइन दिखाना है तो रेड लाइन दिखाएगा, तो जो भी चीज़ें हमें लेनी है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब हम कर हमें ये दिखाना है डिज़ाइन में पर्सनल में तो हम ये ले सकते हैं। फिर ये देखिए तीनों इसमें कह रहा है कि अगर आप ये डिज़ाइन लेते हैं तो सिर्फ इसमें तीन प्रोसेस करने होंगे। फिर कह रहा है यहाँ पे प्रिंटेड आइटम पे जाइए, प्रिंटेड आइटम में सिर्फ यहाँ पे आपका सॉल्यूशन और यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री क्लोज ही शो करेगा। तो फिर यहाँ पे फिर इसके बाद हमें नेम पर जाना है, नेम पर यहाँ पे क्या आपको शो कराना, नेम एंड लोकेशन पे यहाँ पे आपको फाइल जिस फाइल में सेव करना है, यहाँ पे टेम्पलेट के रूप में सेव करना चाहती हैं माई लेटर तो यहाँ पे टेम्पलेट के रूप में सेव कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम फिनिश कर देते हैं। जैसे फिनिश करेंगे तो यहाँ पे फिर से सेव करने के लिए वो पूछ लेगा, तो हम जैसे यहाँ पे सेव करना चाहते हैं एजुकेशन के नाम से, तो हमने यहाँ पे एजुकेशन के नाम से फाइल सेव कर दिया और ये देखिए फाइल सेव हो जाएगा। फिर इसके बाद ये हट जाएगा पेज हमारा, उसी में यहाँ पे फिर देगा सिक्योरिटी वार्निंग, तो हम यहाँ पे डिजेबल मैक्रोस कर देते हैं और ये देखिए पेज हमारा सेम वैसे ही आ गया है जैसे हमने मंगाया हुआ था, ये एक पेज बना हुआ रहेगा, बस सेटअप हमें करना रहेगा। अगर इस टाइप में हमें पेज नहीं चाहिए, दूसरे टाइप में पेज चाहिए, तो हम जाएंगे फिर से लेटर में, तो ये पेज तो रहेगा सिक्स आ गया है। अब देखिए यहाँ पर चेंजेस करना है तो हम यहाँ पर जाके इसका डिज़ाइन, जैसे बिजनेस का लेना है तो हम बिजनेस में जाते हैं और यहाँ पे एलिजेंट ही सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है लेटर हैंड, यहाँ पे लेटर हेड नहीं होगा, प्रिंटेड आइटम पर जाइए, यहाँ पे लोगो भी आप शो कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे फ्रूटी का लोगो दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन भी, जैसे सब्जेक्ट लाइन में आपको क्या शो कराना है, हो होम, जैसे इट में कंसर्न यहाँ पे कंसर्न करना है, या फिर डियर मैम या सर या हेलो, जो भी हेलो हमने ले लिया ये शो कराना चाहते हैं। फिर उसके बाद कम्प्लीमेंट, जब आपका लास्ट जब लेटर कंप्लीट हो जाए उसके लास्ट में कुछ कम्प्लीमेंट आपको देना है, सेंसियरली, बेस्ट रिगार्डेड या चेयर्स,
जो भी आपको देना है, तो हम यहाँ पर सिंसियरली दे देते हैं। फिर रिसिपेंट में एंड सेंडर में तो नेम वगैरह देना है, दिया हुआ है एज यूज़र डेटा रिटर्न, और यहाँ पे न्यू सेंडर एड्रेस जो भी आपको फिलअप कराना है वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो वो लास्ट में भी आपको ये फिलअप करने के लिए देगा। अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको फिलअप करने के लिए फॉर्म में भी देगा। फिर यहाँ पे उसके बाद हम जाते हैं फुटर। अगर हम पेज के सबसे लास्ट में कुछ नोट्स देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे जैसे चैनल का नाम दे देते हैं, एजुकेशन स्टडी सर्कल, ठीक है, तो हम ये शो कराना चाहते हैं। फिर नेम एंड लोकेशन पे जाते हैं, तो यहाँ पे फॉलोइंग यहाँ पे दिया है इंक्लूड ओनली वन सेकेंड एंड फॉलो पेज, सिर्फ एक सेकेंड के लिए आप यहाँ पे सेकेंड कुछ सेकेंडों के लिए करना है, तो नहीं हमें नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लेटर टेम्पलेट में सेव करने के लिए पूछेगा, जैसे ही हम यहाँ पे फिनिश करेंगे तो यहाँ पे यस, तो ये देखिए सेव करने के लिए वो सेव होगी, पहले ऑलरेडी उसी में सेव हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपका सारा ये पेज विजार्ड बनकर यहाँ पर शो करने लगेगा। अगर आपको देखना है ये विजार्ड यहाँ पे, जैसे नाम वगैरह फर्स्ट नेम यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं, जो भी फर्स्ट नाम होगा, ठीक है, फर्स्ट नाम यहाँ पे जैसा भी सेव करना है, जैसे एज कोई भी नाम वगैरह आपको देना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दीजिए, कंपनी का नाम दीजिए, स्टेट एड्रेस होता है, फिर सिटी आपका, फिर स्टेट जिप कोड वो पिन कोड होता है, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और सब्जेक्ट में हमने हेलो डाला हुआ था तो यहाँ पे सब्जेक्ट में हेलो दे रहा है। फिर कम्प्लीमेंट क्लोज में हमने से यहाँ पे दिया हुआ था सिंसियरली, तो सिंसियरली दे रहा है। फिर इसके बाद जब इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो यूज़र फील्ड वगैरह, अगर हमें कुछ टाइप वगैरह करना है फॉर्मूला, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी हेल्प करना है तो ये यहाँ पे शो करेगा। कि टेक्स्ट में अगर हमें टाइप सब्जेक्ट फॉर्मेट के अलावा कुछ और भी लेना है तो हम यहाँ पे करा सकते हैं अप्लाई, ठीक है, फिर यहाँ पे हम इसे ओके कर देते हैं, ये इस पर डबल क्लिक करने पर आएगा। फिर इसके बाद लास्ट में हमने देखिए नोट फुट नोट में हमने दिया था एजुकेशन स्टडी सर्कल, तो वो ये एजुकेशन स्टडी सर्कल यहाँ पे आपका शो कर रहा है, और पेज वन पर है तो ये पेज वन पे शो करा रहा है, ये एक पेज बना हुआ है। अगर हम इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट में देना चाहते हैं तो अब यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं जो भी हमें चीज़ें देनी है। और सिंसियरली के बाद अगर हमें कुछ नाम वगैरह देना है तो यहाँ पर नाम वगैरह भी दे सकते हैं। अब इन सब लेटर वगैरह को अगर हमें चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ पे जैसे यहाँ लोगों के बात कुछ लिखना है, टेलीफोन यहाँ पे मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर, तो यहाँ पे जो देना है मोबाइल नंबर वगैरह दे सकते हैं, जो भी हमें देना है यहाँ पे जो मोबाइल नंबर रहेगा यहाँ पे हम सेंड यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इसे सेव कराना है तो हम सेव भी करा सकते हैं। अगर हम सेव करना चाहते हैं इस टेम्पलेट के रूप में तो यहाँ पे एक टेम्पलेट दिया हुआ है, अगर हमें इसे टेम्पलेट के रूप में सेव करना है तो सेव एज टेम्पलेट में जाएंगे, और यहाँ पे जहाँ पे आपको सेव करना है तो आप यहाँ पे सेव करिए। तो यहाँ पे हम सेट एज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में करना चाहते हैं, और किस नाम से करना है यहाँ पे हमने दे दिया सर्कल के नाम से, सर्कल के नाम से हमें ये फाइल सेव करनी है। ये देखिए यहाँ पे नहीं दे रहा, टाइप माई लिस्ट यहाँ पे करेंगे माई टेम्पलेट, तो माई टेम्पलेट करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए सेव ऑप्शन ओपन यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, सेव कर देंगे। अब ये फाइल जो है सेव हो गई है, अगर हमें देखना भी है तो टेम्पलेट के रूप में तो ओपन में जाएंगे, तो ओपन में यहाँ पे तो शो नहीं कर रहा है, स्टडी का ही शो कर रहा है। और ये विजार्ड टैम्प जो हमें होगा वो नॉर्मली हमें यहाँ से सेव करना होगा, वहाँ से हम नहीं सेव कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम वहाँ पे सिर्फ टेम्पलेट से अगर हम कोई पेज लेते हैं तो वहाँ पे टेम्पलेट से अगर हमें सेव करना है चेंजेस करना है तो वो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वीवी के नाम से हमने ये सेव कर दिया, अब ये सेव हो गया। नया डॉक्यूमेंट लेना है तो हम यहाँ पे अब नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। जितनी बार हमने लिया हुआ है देखिए उतनी बार दिखा रहा है ये टेम्पलेट। फिर यहाँ पे टेम्पलेट्स का यूज़ जो होता है यहाँ पे सेम उसी तरह विजार्ड में हम जाते हैं तो सेम विजार्ड में लेटर फैक्स एजेंडा डॉक्यूमेंट कन्वर्टर सबका वैसे ही यूज़ है, सब में अलग अलग टाइप के ये पेज ओपन होंगे और उसका सेटअप करने के लिए यहाँ पे विजार्ड ओपन होगा। अब यहाँ पे अगर आपको सेट करना है टैक्स यहाँ पे जो भी फ्रॉम टू में जो भी देना है आपको कॉम्प्लीमेंट वगैरह या फिर जो भी करना है आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं।
सेम ये बना हुआ पेजेस रहता है, जैसे आपको ज़रूरत हो आप बना सकते हैं, ऑफिस से रिलेटेड या पर्सनल कोई लेटर आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है टेम्पलेट्स लिब्रे ऑफिस के अंदर, जैसे पहले से आइडिया लगाने के लिए कि क्या चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं, मेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे तो मैंने इस टेम्पलेट में पहले से सॉफ्टवेयर के द्वारा बना हुआ है, इसके शॉर्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जाएंगे तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है, आप करेंगे तो विजार्ड का विंडो जो है ओपन हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एन हम करेंगे तो यहाँ पे जो है विंडो ओपन होना चाहिए, हो गया। हम देखें थोड़ा सा टाइम ले रहा है, फिर यहाँ पे आपको दे रहा है देखिए अलग अलग टाइम के लेटर सर्कल यहाँ पे देखिए बनाया गया है। तो सर्कल के नाम से जो अभी हमने सेव किया है वो देखिए टैम्पलेट में यहाँ पर सेव हुआ है, वहाँ पर नहीं दिखाया है। सर्कल के नाम से हम सेव किए थे तो वहाँ पर नहीं दिख रहा था ओपन सेव में, तो यहाँ पर टेम्पलेट्स अंदर शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही हम बनाए हुए थे, विजार्ड फ्रूटी का था तो यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए ये हमने बनाया हुआ था तो ये सेव यहाँ पे दिखा रहा है। अगर हमें और देख यहाँ पे देखिए रिज्यूमिंग वगैरह भी हम बना सकते हैं, किस टाइप में हमें रिज्यूमिंग बनाना है, तो यहाँ पे सिर्फ बना हुआ है आपको सिर्फ मॉडिफाई करना होता है। डिफ़ॉल्ट में भी दिया हुआ है, सीवी दिया है, रिज्यूमिंग दिया है। रिज्यूमिंग वगैरह अगर हमें बनाना है तो यहाँ पे सिर्फ आपको अपना डेटा फिलअप करना होगा, फील्ड तो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिया रहता है, बस ये सेटअप भी रहेगा आपको, फॉन्ट वगैरह भी सेटअप नहीं फॉर्मेट नहीं करना होगा, ये सारा आपका फॉन्ट वगैरह फॉर्मेट रहता है, बस आपको यहाँ पर टाइप करने होते हैं। अगर आपको यहाँ पे ओपन सेव किया हुआ है तो ओपन करना चाहते हैं ओपन कर सकते हैं, मैंने से पहले से है यहाँ पे टेम्पलेट तो उसे हम यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है रिलोड और वर्जन, ये अभी हाईलाइट नहीं है। रिलोड होता है जैसे अगर कोई फाइल अगर हम यहाँ पे ओपन किए रहते हैं यहाँ पे ज़्यादा, जैसे कि क्लोज हम कर दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे रिलोड होता है जैसे फिर से अगर आप अपने सिस्टम को जैसे कोई भी फाइल वगैरह को क्लोज़ कर देते हैं उसे फिर से रिलोड करना चाहते हैं, उस फाइल को डॉक्यूमेंट को वापस लाना चाहते हैं, रिलोड करा सकते हैं, लेकिन ये शो नहीं कर रहा है। और वर्जन होता है लिब्रे ऑफिस के अंदर जो जिस वर्जन पर आप काम करते हैं उस वर्जन को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपको वर्ज़न बताने के। अगर आप किसी दूसरे वर्ज़न पर वर्क कर रहे हैं तो इस वर्ज़न से बनाए गए फाइल को कैसे दूसरे वर्ज़न में लाना है, ये सब इस पर हम कर सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सेव, सेव एज और सेव रिमोट, इन सब सारे ऑप्शन को कवर कराएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।